महाभारत युद्ध की 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी डूब जाती है, जिसमें सारे जदुवंशी मारे जाते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया द्वारिका नगरी क्यों डूबा पानी में? क्या था उसकी असली कारण? दरअसल इसके पीछे दो श्राप को मुख्य कारण माना जाता है। सर्वप्रथम गांधारी की श्राप। महाभारत युद्ध के बाद देवी गांधारी भगवान श्री कृष्ण को पूरे विनाश का जिम्मेदार समझकर श्राप देती कि जिस प्रकार कौरव और पांडव आपस में लड़कर मारे गए तथा जिस प्रकार पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया, ठीक उसी प्रकार पूरे जदुवंशी भी आपस में लड़कर मारे जाएंगे तथा पूरे जदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। दूसरा, ऋषियों का श्राप। एक बार कुछ ऋषि द्वारिका गए। यह देख द्वारिका के कुछ उदंड बालक उनके साथ परिहास करना सोचा और कृष्ण पुत्र शाम को एक गर्भवती महिला के रूप में सजा कर ऋषियों के पास ले गए और पूछा, बताइए ऋषिवर, इसकी गर्भ से पुत्र होगा या कन्या? उनके व्यवहार से ऋषियों को बहुत अपमान महसूस होता है, जिससे वह क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से एक लोहे की मुसल का जन्म होगा, जो कि पूरे यदुवंशियों का विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, श्राप जो भी हो, कारण जो भी हो, भगवान की इच्छा के विरोध दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है।